बहुत शुभ दिन है क्योंकि आज 2 अक्टूबर है जब बहुत सी महान हस्तियों का जन्म हुआ है, केवल एक नहीं, महात्मा गांधी जी, शास्त्री जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस रोशनी को हमारे सामने प्रकाशमान किया कि हम उनके आदर्शों पे चल सकें। जीवन में जब किसी बच्चे का जन्म होता है क्या है और उसके साथ साथ आपके कर्म जो आपके अपने होते हैं, आपकी निष्ठा से होते हैं, वो आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि जैसे मैं और मेरे जैसे अनेकों मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और ऐसे अनेकों बैंकर्स हैं जो बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हुए हैं कई पीढ़ियों से, मेरी 3 पीढ़ियां बैंक से जुड़ी हुई हैं, बैंक से और वो भी स्टेट बैंक से। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मेरा परिचय रखता है स्टेट बैंक। आप भाग्य से है, आने वाला मुझे तराशने वाला केवल वो स्टेट बैंक था जिसके लिए मैं हमेशा हमेशा ऋणी रहूंगी। और आज आप सबके बीच में उपस्थित होके आज हमारे डीजीएम साहब जितेंद्र ठाकुर जी का भी जन्मदिन है जो एक बहुत शुभ दिन है। और मुझे लगता है कि जैसा कि उनका अभी कोविड के बाद यहाँ आना हुआ है और उनसे मिलने के बाद मुझे उन्हें जानने का मौका मिला है, मुझे लग रहा है स्टेट बैंक में एक नई ऊर्जा आई है, खासकर हमारे अगरतला मॉडल में। क्योंकि जैसा आपने मुझे बताया है, इससे पहले इस तरह से किसी ने उजागर नहीं किया था स्टेट बैंक अगरतला को। यहाँ हमारे त्रिपुरा पैन इंडिया में रूल कर रहे हैं, ये सिर्फ सुनने में साधारण मात्र लगता होगा, एक आम बात लगती होगी, लेकिन ये आम बात नहीं है। ये बताता है कि मेरे बैंकर का, मेरे कलीग का, स्टेट बैंक का संकल्प कितना बड़ा है कि वो प्रत्येक ग्राहक के पास जाता है और पैन इंडिया में खुद को स्थापित करता है।